देखिए कलर्स के सोशल मीडिया से बिग बॉस सीजन 14 का एक सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब जो है जनता से मांगा गया है। ये सवाल क्या है और जनता का इस पर रिएक्शन क्या है, चलिए आपको बताती हूँ उस वीडियो के अंदर। नमस्कार, मैं रुदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। अगर आपको याद हो, यहाँ पर गिनी ने ये सवाल पूछा था कि कोई ऐसी चीज जो कि नहीं होनी चाहिए थी पूरे सीजन में, जिस पर रुबीना ने कहा था पंचायत वाला टास्क, जहां पर उनके और रुबीना के बीच में डिफरेंसेस शुरू हुए थे। तो इसी से जुड़ा एक सवाल सामने आया जो कि बिग बॉस के सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर किया गया, जिसमें था क्या आपको लगता है कि टास्क की वजह से सामने आई थी जैस्मीन वसीम के अंदर की भड़ास। अब इस भड़ास वाले जो क्वेश्चन किया गया है, इस पर जनता का क्या कहना है, चलिए हम आपको वो बताते हैं। मैक्सिमम पीपल सेइंग आर यस, बहुत लोगों ने हाँ बोला है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैस्मिन नहीं है पर फिर भी एंड तक ही रहेगी, यानी कि भले जैस्मिन बिग बॉस के घर में नहीं है लेकिन जैस्मिन के बारे में बार बार बात हो रही है। एंड एक और यूजर ने रिप्लाई किया है जिस पर उन्होंने लिखा है यस शी केम इनसाइड विद जेलेसी एंड ब्लैक हार्ट फॉर रूबीना, यानी कि वो घर के अंदर आई थी, जेलेसी लेकर आई थी, साथ में काला दिल लेकर आई थी यहाँ पर रुबीना के लिए। यहाँ पर एक यूजर ने लिखा है जैस्मिन के मन में सिर्फ नेगेटिविटी ही है, शी नीड सम हेल्प टू बिकम अ लिटिल पॉजिटिव एंड ऑब्सेसिंग ओवर रुबीना। सो यहाँ पर एक यूजर ने यहाँ पर लिखा है, जिसमें लिखा है उन्होंने द क्रैक इन देयर फ्रेंडशिप वॉज कॉज बाय जैस्मिन, इनिशिएट बाय जैस्मिन बाय टेकिंग हर हेयर एंड देयर अबाउट रुबीना दैट शी हैड अ सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जबकि खुद के गिरेबान में झांकना भूल गई जैस्मिन बाय सेइंग कॉन्वेंट स्टूडेंट एंड गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैक्सिमम लोगों का यही कहना है कि शायद से वही एक टास्क था जिसकी वजह से जैस्मिन के अंदर की बातें जो है वो रुबीना के लिए निकलती हुई नजर आई है। सो गाइज, अब सेम सवाल आपके साथ में है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि उसी पंचायत वाले टास्क की वजह से ही जैस्मिन के अंदर की जो जेलेसी है, जो भड़ास है, वो निकलकर सामने आई थी? वेल, आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलती रहे ऐसे ही बिग बॉस और बॉलीवुड की सारी चटपटी खबरें सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड हेडलाइंस पर।